अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला अस्पहाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद, पहली बात तो ये है कि मैं अंदर घुसते ही शशतर रह गया। आज आपने ना ढोल वाले बुलाए, ना कोई तवलची बुलाए, ना कोई ढोलक बजाने वाले आए, ना कोई बाजे वाले यहाँ पे हमने देखे। अरे पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा खुशकुन और अवामी दिन दोबारा नहीं आ सकता। क्या सब, किसने कहा कि बैंड बाजे वाले नहीं बुलाए मैंने? ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स से तशरीफ लाए हैं हमारे इस काफले में, ये 13-14 साल न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करते रहे, उसके बाद 3-4 साल जो बेरोजगारी के थे उसमें ये बड़ा बाजा बजाते थे। सही, मुल्तान चौक घंटा घर में ढोल बजे नाम। तो मेरे भाइयों, आज फिर कलम और कागज का दिन तो नहीं था, आज तो ढोलक और बाजे का दिन था। देखे बगैर इंस्ट्रूमेंट के बजाय आपको एक लम्हे के लिए भी शक गुजरे कि इंस्ट्रूमेंट नहीं है इनके पास? आप यकीन मानेंगे कि पूरे पाकिस्तान के पास इस वक्त इंस्ट्रूमेंट नहीं, मगर हर एक के अंदर से म्यूजिक बाहर आ रहा। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद कि अदालत उज़्मा ने पाकिस्तान की आवाम के जज्बात और उनके ख्यालात का एहतराम किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही दोबारा अपने ओहदे पे मुतमक्कन हो गए। तो तहरीक इंसाफ के तो नहीं है, परवेज इलाही साहब तो काफली के। ए मेज कुर्सी तेरी है? जी मेरी है। मेरी है? ए लकड़ दी है? बिल्कुल ऐसा ही। उम्मीदवार तो वो पीटीआई के थे ना, बेशक काफली के थे। और आप ये सुन के भी खुश होंगे कि चौधरी परवेज इलाही अनकरीब काफ लीग छोड़ के पीटीआई में शामिल हो रहे। अरे ब्रेकिंग न्यूज़ सर। लेकिन शाह साहब, आप उनके बारे में माजी में आपकी क़यादत को अच्छे कलमात तो नहीं कहती रही? देखिए जुनैद, सुबह के जब 8 बजते हैं जी, तो 1 घंटे बाद भी 8 ही नहीं बजते, 2 घंटे बाद भी 8 ही नहीं बजते, 3 घंटे बाद भी 8 ही नहीं बजते, वक्त बदलता रहता है। वो तू ही कहो ना, उन सीते सुनी नहीं सकते। वाह वाह, वो क्या बात, वक्त बदलता रहता है। इसी तरह ख्यालात भी बदलते रहती है। ईशा जी, वो फलसफा बहुत गहरा है, जब 8 बजते हैं तो 2 घंटे बाद भी 8 ही नहीं बजे रहते। बाद 10 बज जाते, 3 घंटे बाद फिर 11 बज जाते। सो मेरे दोस्तों जी, सुई की तरह चलते रहना चाहिए। सुई जब खड़ी हो जाती है तो घड़ी बेमानी हो जाती है। ख्यालात भी बदलते रहने चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि अब आप लोगों को, मीडिया वालों को यह सवाल करना छोड़ देना चाहिए कि आप तो चौधरी परवेज इलाही को ये कहते थे, वो कहते थे। रात कही बात कही, ये सियासत थे, सियासत में कुछ भी कहा जा सकता है। जी। और आप ये भी सुन के खुश होंगे कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने इमरान खान की क्यादत को कबूल करते हुए पीटीआई का साथ। इसलिए अब हमारे दिल में उनके लिए बेपना एहतराम है। और आप ये भी सुन के हैरान होंगे जी कि मैंने उनको जितना जांचा, देखा, पढ़ा, सोचा उनके बारे में, मुझे वो जैन कुरैशी की तरह इंतहाई चाको चौबंद लीडर लगे। अच्छा, आप आने वाले दिनों में आप और इमरान खान साहब हम पल्ला,
और परवेज इलाही और जैन कुरैशी एक बराबर यही होगा। ऐसी बात नहीं है, जैन तो अभी कल का बच्चा है, ये तो अल्लाह ताला का बेपनाह कर्म है उसका, उसका बेपनाह कर्म है हम लोगों पे। जी जी। कि जैन वो क्या कहते हैं, जमदिया सूला दे मुंह तिखे, इतनी सी उम्र में उसके पास वो तजुर्बा, वो नजर, वो सोच है जो परवेज इलाही साहब के पास सारी जिंदगी गुजारने के बाद पैदा हुआ। मुहावरा बदल ले, मुंह तिखा तो वो तो खासे बल्कि है। इस बंदे ने मेरे को फ्लाइंग किक खा लेनी है, ये समझता है मैं सिर्फ गाड़ी उर्दू ही जानना, इनू ये नहीं पता कि मैं बड़े गाड़े जूडो कराटे भी जानना। अच्छा शाह जी, अगर चौधरी शुजात साहब ने परवेज इलाही साहब को आपसे वापस ले लिया तो फिर क्या होगा? परवेज इलाही साहब कोई 12 डंडे वाली सीढ़ी नहीं जड़ी लिल्लो ते वापस कर दियो। बड़ा तेरा एक डंडे का पिंडा है, वो भी जड़ा एक पाछो टूटा होता है ते थल्ले लटकया होता है, और नीचे वाला जिसने सीढ़ी पकड़ी होती है वो कहता है तीजे डंडे तो बच गए। तुम चंगा नहीं आए, एक सीनियर जर्नलिस्ट भी जुगतां ते उतर आया है। बहरहाल पूरे पाकिस्तान की आवाम को इस खुशगवार लम्हात पर मुबारकबाद पेश करता हूं। वैसे तो बादे नसीम उसी वक्त चल निकली थी जब जैन कुरैशी ने मुल्तान से फतह हासिल की। अरे वाह वाह वाह। अब तो बादे नसीम की चल चल के टांगे दुखनी शुरू हो गई। इतनी खुशियां, देखिए जैन कुरैशी के जीतने की मुझे सिर्फ इसलिए खुशी नहीं, वो मेरा फर्जंदे अर्जुमंद है, असल खुशी ये है कि ऐसा जहीन, फतीन, मामला फहम, दूरंदेश, खैरंदेश, बुर्दबार, जीरक, उलुल अजम नौजवान पूरी पंजाब असेंबली में ढूंढ ले से ना मिलेगा। पंजाब असेंबली में उसके होने से असेंबली का वकार बढ़ जाएगा। क्या कहने शाह जी, क्या कहने। और देखिएगा जब इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मोहतरम इमरान खान साहब की दूरंदेशी ने जैन कुरैशी को पंजाब असेंबली का स्पीकर नामजद किया। ये बाकी भी अच्छे हैं, ये सुप्तैन असलम और ये इकबाल वगैरह और क्या नाम है उनका, महमूद रशीद, अच्छे हैं लड़के ये भी, मगर मैं समझता हूं कि जैन कुरैशी जैसा वियन कम नौजवानों में पाया जाता है। आपका क्या ख्याल है, अगर आपके जहन में कोई जैन कुरैशी के हवाले से जुगत है तो फरमाइए। नहीं सर, वैसे मेरे जहन में जुगत तो कोई नहीं आ रही है और ना ही मेरा मनसब इस बात की इजाजत देता है कि मैं जुगत करूं। नहीं लेकिन... नहीं मेरा मेरे टीवी दे उत्ते तेरी फोटो नहीं आंदी। मेरी बत्ती कटी गई हो ये। सर मेरा मुशाहिदा है कि जैन कुरैशी जैसे बंदे कांस्टेबल भर्ती होते हैं और पहले महीने मुअत्तल हो जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका कद काट जुस्सा माशाल्लाह पुलिस वाला जबरदस्त रोब दाब वाला है। क्या हुआ जाजी? मेरे सिर से चिट वज्जी हुई लग दी है। बिल्कुल नहीं, या मैं सड़का से करता फिरना हुआ। क्या हो गया जाजी? अपना मुंह तो कदी देखा है? गौर की ताए, तेरे वर्गे गोरे भी बीसी ते गूंगियां खबरां पढ़ देने। शाहजी ये देखे आप जुगतो पे आ गए। ते जेड़ी तू की थी ओ जुगन्नी सी, ओ की बांगे दरादा मिसरा सी। अच्छा शाहजी सियासत पे आए ना। देखिए सीधी बात ये है कि पहले पिछले इंतखाबात में आप वजारत आला की दौड़ में शामिल थे, अब आपने अपने बेटे जैन कुरैशी को स्पीकरशिप बनाने के लिए कोशिशें की हैं आपने? तो गुस्सा कर गया है ना? नहीं जाजी, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए जमाना जानता है ना मैं ना मेरा फर्जंदे अर्जुमंद जैन कुरैशी, हम कभी भी ओहदों के पीछे नहीं भागे, हमें कभी भी कुर्सी से मोहब्बत नहीं हुई। ओहदे आपके पीछे भागते रहे हमेशा। बेशक हमने हमेशा अपनी आवाम से, अपनी आवाम की खिदमत से मोहब्बत की है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरी छड़ी हिस कह रही है जी कि अगले इलेक्शन के बाद
पंजाब की वजारत आला का बारे घरा आखिरकार जैन कुरैशी के नातवां कंधों पर गिरेगा। उम्मीदवार नहीं है कुरैशी साहब या उनके साहबजादे, वैसे उनकी छठी है कह रही है। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हमें कभी भी इस तरह के शौक नहीं पैदा हुए, मगर पंजाब में जो दंगल की सियासत चल रही है उसके लिए जैन कुरैशी जैसा रेसलर ही चाहिए। अगले आम इंतखाबात में जैन कुरैशी नीचे वजीर आला पंजाब होगा, आप वजीर आजम होंगे, तो अभी तो आप तनकीद कर रहे हैं शहबाज शरीफ पे और हमजा पे, तो आपका भी यही हाल फिर होगा। कुंदूरों तेरा मत्था चुमा। बात ये है कि ये जो नस्ली सियासत है उसका तोड़ भी तो निकालना है, वाजिबा उसका मुकाबला भी तो करना है, तो उसके लिए अगर एक आध ऐसी मिसाल पीटीआई में भी मौजूद होगी तो मेरा ख्याल है कि वो बुरा नहीं लगे। शाहजी पंजाब में जीत की खुशी में कोई अशैया दे रहे हैं? बताएं जरा, अशैया दे रहे हैं? जी हाँ, जरा पुलिस में रद्दो बदल हो ले फिर अशैया देंगे। आपको किसी ग्वाल मंडी थाने के एसएचओ की तरफ से अशैया देंगे। साथ गाना लगा दीजिएगा, चल अशैया अशैया। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा पिछले 11 वर्षों के दौरान पाकिस्तान वो मुल्क है जहां से लोग दूसरे मुल्कों का सफर किया है, जिन्होंने नकल मकानी की है, कितनी तादाद है ये? पूरी दुनिया में नंबर वन मुल्क पाकिस्तान है। तादाद कितनी है पिछले 11 वर्षों के दौरान? 1,65,00,000। यार पाजनेद, ये जो हालात पैदा हुए हुए हैं मुल्क के अंदर, बहुत सारे लोग जो है ना जी, अब ये बाकायदा बड़े संजीदगी के साथ ये डिस्कस कर रहे होते हैं जी कि कोई एक और लाजमन नेशनैलिटी होनी चाहिए। मतलब उन लोगों के अंदर ये डिस्कस होती है जो इस तरह की बात कर सकते हैं। या फिर ऐसी तो दूजे शहर जाना हो तो पंचायत बंदी है जाइए के ना, मगर ये है कि दूसरे मुल्कों की नेशनैलिटी के लिए अब जिनके पास थोड़ा सा भी सोर्स है या सरमाया है ना जी, वो बड़ी संजीदगी के साथ सोचना शुरू हो जाते हैं और सोच रहे हैं। बल्कि बहुत सारे नए मुल्क दरियाफ्त हुए हैं, यूरोप के कई ऐसे मुल्क जिन्हों का ना उतों के सदर नु भी नहीं आता, तो मैं केड़े मुल्क का सदर लगा है। उधर की भी नेशनैलिटियां अब बिक रही हैं और बड़ी सस्ते दामों वहां पे दी जा रही हैं। तो जो नॉन मुल्क हैं जहां पे रुझान है ज्यादा, आई मीन कनाडा में या अमेरिका में या इंग्लैंड में, इवन अब तुर्की की तरफ बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं। और ऐसे कई मुल्क जो हैं आपको ऑफर करते हैं, स्कीमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, कहते हैं कि जी हमारी नेशनैलिटी लें, कुरान अंदाजी में शामिल हो, मोटरसाइकिल इनाम मिलेगी। बंदा पूछे 5 करोड़ रुपया मैं इन्वेस्ट करूं, इनाम मुझे मोटरसाइकिल मिलेगी। और तुर्की में अब रुझान इतनी तेजी से शुरू हो गया है कि लोग कहते हैं जी कि एक तो मुस्लिम कंट्री है। देखो ना, दूसरे ममालक में जब लोग जाते थे ना जी, तो बुजुर्ग इस बात का रटा डाल लेते थे कि गोरियां दे मुल्क चिटुर चले हैं, उधर जाके चलो ये तो हमने पाला है, को अल्लाह को याद करता रहेगा, को नमाज रोजा करेगा, इसके आगे जो बच्चे उधर पैदा होंगे या उधर ही बड़े होंगे उनकी उधर ही तरबियत होगी, तो वो पता नहीं नौज़ुबिल्ला मजहब के साथ रहें भी या ना, कोई और ही मजहब ना इख्तियार कर लें, इस तरह की खौफ लोगों के दिलों में। बिल्कुल सही। मगर ये तुर्की वाला मामला जो है वो तो अब लोग सीधा कहते हैं जी वो भी मुस्लिम कंट्री है, और दूसरा वो कहते हैं जी कि ये नजदीक है बिल्कुल। दूसरी नेशनलिटी की बात तो अब लोग ऐसे करने लगे जैसे दूसरी शादी की करते हैं कि दूजा ब्याह ना कर ले। दूसरी शादी की जरूरत है तेरी गल करें तो यार मिसाल दे, ये जो तुम बात कर रहे हो ना, मगर ये तो अब हर घर में ये बहुत सीरियस मसला होता जा रहा है। असल में बात पता क्या है, इसके बारे में दोनों तरह की आरा पाई जाती हैं, और दोनों तरह की आरा अगर पाई जाती हैं तो गलत कोई भी नहीं है। सच्ची बात यह है कि अगर देखा जाए ना कि मौजूदा सरकमस्टांसिस में पाकिस्तानियों का नकल मकानी करके बाहर चले जाना ये वतन अजीज़ के लिए क्या, लेकिन
किसी भी जिंदा कौम के, अगर मेरी जाती राय पूछी जाए तो ये है कि ब्रेन ड्रेन है। बहरहाल हमारा जो दिमाग है और हमारी जो अफरादी कुव्वत है वो बहरहाल बाहर जा रही है। किसी मुल्क के लिए भी एक बहुत ज़्यादा खुशकुन सूरत हाल नहीं हुआ करती, लेकिन हमें चूंकि शॉर्ट टर्म फायदे नज़र आते हैं इसलिए हम कहते हैं जी ज़र्रे मुबादला और हमारा मुल्क चल ही ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे पर रहा है। बात ठीक है, 35 अरब डॉलर जो है वो हमें हर साल बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजते हैं रेमिटेंस की बात में। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि ये अगले 3 साल तक यानी 2025 तक ये मालियत पता है कितनी हो जाएगी रेमिटेंस की? 50 अरब डॉलर। तो ये बाजायर तो बड़ी अच्छी बात है कि जी 50 अरब डॉलर हमें हमारे मुल्क में आएंगे, लेकिन उसकी कीमत हमें क्या अदा करनी पड़ रही है कि हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, सबसे बड़ी बात, सबसे खौफनाक बात जो है वो ये है कि हमारी जो ज़रई लेबर है ना, जो एग्रीकल्चर लेबर है, वो बाहर जा रही है और धड़ाधड़ जा रही है। इसीलिए आपको इस वक्त एग्रीकल्चर लेबर नहीं मिल रही कहीं से। और सोनियो मिठियो मक्खन दियो पेड़ियो, बात ये है कि जो लोग जाते हैं ना जी बेचारे मेहनत मजदूरी करने, इधर जिनका जरिया मुआश को नहीं बन रहा या नहीं उन्हें मिल रहा, या बेचारे तंग फंग हैं, उनका नहीं कहीं हाथ पड़ रहा, वो कहीं ना कहीं अपना 5-10 लाख रुपया लगा लगू के बाहर निकल जाते, वो तो एक बात समझ आती है। मैं तो ये रोना रोना चाह रहा हूँ कि जो इधर अच्छे भले लोग हैं, वो सेट लोग हैं ना जी, खाते पीते, वो इन हालात और इन सरकमस्टांसेस जो सियासत में और जो मईशत में और जो इधर गवर्नमेंट में पैदा होते जा रहे हैं उससे खौफजदा होके कहते हैं कि भाई जी निकल चलो। भाई जान वही तो ब्रेन ड्रेन है, वही तो ब्रेन ड्रेन है। जो खाते पीते लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जरई हमारी लेबर बाहर जा रही है, उससे बाहर तो आपको कोई ब्रेन ड्रेन नहीं कहा जा सकता उसको। ब्रेन ड्रेन तो यही पढ़े लिखे खाते पीते लोग हैं यार, पढ़े लिखे और अमीर लोग खाते पीते भी बाहर जा रहे होंगे तो गोगा ऐसे मैक्सिको बैठा होता। गोगा जी ने लाई सी डंकी शेखुपुरे तक पैदल गए ने, ते नाल देनु कहंदे ने पता करो अगे ते नहीं नंग आए। अच्छा, आपको इस हवाले से एक बड़ी डरा देने वाली रिपोर्ट सुनाता हूँ, आप ये सुन के आपको बहुत हैरत होगी, क्योंकि हम सियासी चटखारों वाली खबरों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसलिए हमें उन खबरों में ज़्यादा सुनने का और डिस्कस करने का मज़ा भी ज़्यादा आता है, या स्कैंडल्स हम ज़्यादा शौक से सुनते हैं कि किस एक्ट्रेस ने किस एक्टर को क्या कहा, सीधी बात है, लड़ाई कैसे हो गई, लड़ाई कैसे हुई, तलाक कैसे हो गई। असल बात यह है कि जो महज़ब और जिंदा कौमें होती हैं ना, वो अपने इकोनॉमिक इश्यूज पे बहुत गहरी नज़र रखती हैं। और उस हवाले से मैं आपको ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 है उसकी रिपोर्ट बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पिछले 11 बरसों के दौरान पाकिस्तान वो मुल्क है जहां से लोग दूसरे मुल्कों का सफ़र किया है, जिन्होंने नकल मकानी की है। कितनी तादाद है ये? पूरी दुनिया में नंबर वन मुल्क पाकिस्तान है। तादाद कितनी है पिछले 11 बरसों के दौरान? 1,65,00,000। एक करोड़ 65 लाख। दूसरे नंबर पे कौन सा मुल्क है? हिंदुस्तान। और तादाद में फर्क देखो, पाकिस्तान पहले नंबर पे 1,65,00,000, दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान, तादाद कितनी? 35 लाख। जमीन और आसमान का फर्क सिर्फ 35 लाख, सिर्फ 35। अच्छा यार, वैसे दूसरी तरफ ये सोचो कि अगर वो 1,65,00,000 भी इधर ही होते ते कार जाते हैं तो सानू 6 घंटे लगने करने। अच्छा नहीं, अब देखो ना, यही तो प्रॉब्लम है कि उनके पास बाहर जाने की माकूल वजूहत थी। अच्छा, मैं ये वजाहत कर दूं कि ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स की, इस हवाले से पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ से नकल मकानी मुमकिन ही नहीं है। गालिबन इस रिपोर्ट में उन लोगों को भी शामिल कर लिया गया है जिन्होंने सिर्फ बैरून मुल्क सफर किया, ठीक है, क्या वो लोग भी शामिल हैं जो बिजनेस के लिए बाहर गए हैं, जॉब के लिए गए लेकिन नाकाम होकर फौरन ही वापस आ गए, तो वो लोग भी शामिल हैं, स्टूडेंट भी शामिल है। कम अज कम मेरा ख्याल है कि 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हैं। अब पता है लम्हा फिक्रिया क्या है कि हमारे तालिब इल्म जो हैं, जो बाहर पढ़ाई की गर्ज से गए हैं, वो तालीम हासिल करके वापस नहीं आ गए। इवन सो मच सो जो चाइना, उज्बेकिस्तान और छोटे छोटे मुल्कों में गए जहाँ का मयार तालीम को बहुत
ऊंचा नहीं है, वहां पर भी जाकर टिकी हो गए, वहां से भी सारे वापस नहीं आए। जी, जी, तो फिर जब ये सूरत हाल होगी तो फिर रेमिटेंस अपनी जगह। लेकिन यार मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर जाने का इतना ज्यादा शौक, इतना ज्यादा शौक पैदा हो गया हुआ है लोगों में कि वाकई जिस मुल्क का नाम उसके वजीर आजम को भी नहीं ना याद, उधर भी टूर गए ने और बकायदा उधर पहले स्पेलिंग याद कर दे रहे ने, बल्कि एक थे पूछिया उन्होंने कि भाई जी इस मुल्क च जहाज जांदा है, उन्होंने कहा जी नहीं जहाज नहीं जांदा, तुहानू असी ले जांगे इटली तक, अगो तुहानू पैदल जाना पैगा, उधर भी चले गए, अल्बानिया चले गए हैं। देखो ना, देखो ना, अल्बानिया मुझे भी नहीं पता किधर है। पिछले 11 बरसों के दौरान बाज जो तल्ख हकायक है उन पे भी हमें नजर रखनी चाहिए ना, कि हमारी जो बेरोजगारी की शरह है पिछले 11 वर्षों के दौरान, हम तो मुंह फाड़ के कह देंगे क्यों जाते हो, तो गरीब आदमी से पूछो कि वो क्यों जाता है बेचारा। तो 11 वर्षों के दौरान हमारी जो औसत बेरोजगारी की शरह है वो 14% के लगभग रही है, जो दुनिया की टॉप रेशो है इस वक्त 14% के लगभग रही है एवरेज पिछले 11 वर्षों के दौरान। फिर इसीलिए लोग दौड़ रहे हैं ना, मैं आपको बता तो रहा हूँ यार, मुल्कां दे नाम याद करने पैंदे ने, फलाना कित्थे हुंदा है। एक अपना बच्चा मेरा छोटा भाई है इमरान, मैंने उससे पूछा कहाँ चले गए, कहता जी लिथुआनिया। मैं कह ये ते अपना खुश्क मेवा नहीं लिथुआनिया जिहड़ा छिल के खाई दा, कहिंदे नहीं जी नहीं मुल्क है। मतलब वाकई अब चीकोस्लोवाकिया चले गए लोग, चीका मार दे चीकोस्लोवाकिया पहुंच गए। यार ऐसे ऐसे मुल्क हैं जहां पे अब एवं कोई 2-3 करोड़ ची मिल जाती है अपना नेशनलिटी, तो यहाँ पे बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा यार 3 करोड़ रुपये ये ना उनके पास है, उन्होंने जाके 3 करोड़ दे के वहां के पासपोर्ट लेके तो पोर्ट पास हो गए। भाई दूसरी बड़ी वजह रुपए की तनजली, आज से 11 साल पहले 70 रुपए का डॉलर था, जी बिल्कुल, आज गालिबन ओपन मार्केट में डॉलर रेट जो है वो 239 रुपए क्रॉस कर गया। देखिए ना, गरीब आदमी अगर जाता है तो किसी वजह से जाता है ना, वजह से जाता है। फिर जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि मुल्कों ने बड़ी ल्यूक्रेटिव स्कीमें निकाल ली हैं कि हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करें। हाँ। यार जे तेरे को पैसा है तो अच्छे इन्वेस्ट कर भाई। हाँ, जिसके पास पैसा है उसको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए ना यार। मतलब यहाँ के हालात, सियासी अदम इस्तेहकाम, रिश्वत, करप्शन, इन बातों से डर के हम कहते हैं नहीं यार, अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपया है तो मैं तुर्की में लगाऊंगा। हाँ। मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। एक बड़ी वजह यह है कि उन स्कीम्स का हम शिकार हुए और उन स्कीम्स का शिकार होकर बड़ी तादाद नाकाम होकर वापस भी आ गई है। ये हमारा तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। यार जो कारोबार अगर आप करना चाहते हैं असूली तौर पे, तो उसके लिए जो आइडियल सर्कमस्टांसेस है वो आपका अपना मुल्क है, आपके अपने लोग हैं, आपकी अपनी लेबर है। ये कैसे हो सकता है कि पहले दिन ही आप जाके आप तुर्की, इंग्लैंड, कैनेडा जाके पहले दिन बिजनेस शुरू कर रहे हैं और वहां पर जाके करोड़ों रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए। तो आपको अगर कारोबार करना भी है बाहर तो पहले पाकिस्तान में तो सेट हो। बिल्कुल यार, ये जो लोग जा रहे हैं ना करोड़ों रुपया लेके, वो 2-3 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, ये लोग जो हैं ये तो वो लोग हैं जिनके पास अब पैसा है, जो वेल सेटल्ड हैं। वो कहते हैं भाई जी इत्थे कुछ हो ना जावे, साडा पैसा हुण जिहड़ा असीं एडी मुश्किलां इकट्ठा कर लिया इधर उधर ना हो जाए। वो असल में तहफुज जा रहे हैं, वो तहफुज के लिए दूसरे मुल्कों की नेशनलिटियां ले रहे हैं कि इधर को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई ऐसी गड़बड़ हो गई तो फटाफट दौड़ जाएंगे। अल्लाह पाक सलामत रखे पाकिस्तान को, अल्लाह पाक रहमते रखे इस पे। ये तुमने बड़ी इंशाल्लाह ताला इस तरह के हालात और बहुत से मुल्कों में पैदा हुए मगर फिर वो दोबारा संभल गए और ये भी इंशाल्लाह संभल जाएगा। ये डॉलर की कीमत, सियासत की गुफ्तगु, ये देख देख के ना जी लोगों को अब खौफ आना चाहिए। नहीं अच्छा, एक्चुअली देखे हम एक जो टेररिज्म के दौर से गुजरे हैं उसने भी बड़ा रोल प्ले किया है यहाँ से पाकिस्तानियों को भगाने में। देखो 2010 से 2015 के दौरान सिर्फ कराची से 20 लाख लोग बैरून मुल्क गए हैं या शिफ्ट हो गए, 5 साल गए, 11 साल की बात नहीं कर रहा, 2010 से 2015 तक। फिर आप ये देखें कि इसी अरसे के दौरान केपी जो सबसे ज्यादा शोरश ज्यादा इलाका था वहां से सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो बैरूने मुल्क गए। ये गोगा मुझे कितनी दफा कह चुका है कि भाई जान बरमूदा ट्रायंगल दा वीजा नहीं मिलता। मैं क्या क्यों कहते नहीं ताड़ी पर जाई, कहती है डुब मारते, मैं है चलो किसी ऐसी थां ते जाइए फिर डुबण वास्ते जिथे ना तो होवे ना। ओ भाई जान, ये एक अरसे तक बरमूदा को फलूदा का कजन समझता रहा, खाने पीने वाली जगह है।
बरमूदा ठंडा करके थे उधर तो सेवियां पाके खावांगा। भाऊ जी मुझे पाकिस्तान ही अच्छा लगता है, लेकिन पाकिस्तान को तुम अच्छे नहीं लगते। बाहर के मुल्कों में तो जुमेरात का नहीं पता चलता नाम। जी तेने जुमेरात में आजान खानी है ना, तो जुमेरात जिस कौम के नौजवानों को हफ्ते में सिर्फ जुमेरात याद है वो भी सिर्फ इस गल्लों के दरबार से खत्म हो जाए। 1,65,00,000 लोगों का नकल मकानी करना समझ आता है ना, किसी घर में अगरबत्तियां लगी होती है। बहुत वैसे दुख हुआ मुझे अपना गोगे, तेनू हफ्ते दे बाकी 6 दिन नहीं याद, सिर्फ जुमेरात याद। एक दो इसने अप्लाई किया था अमेरिकन वीजे के लिए, तो वीजा ऑफिसर ने पूछा कि जी आप क्या है, कहते जी मैं फनकार हूँ हुनरमंद, कहता आपका हुनर क्या है, कहता जी मैं हाथ से देग में से शोरबा निकाल के पी लेता हूँ गरम गरम, अंदाजा करो यार। ये भी एक फन है, ये कौन सा फन है यार, ये बदतजीबी है। बाबूजी अगर कमीज पर गिरे तो फिर बदतजीबी है, वरना फन है, फन है। नाज़रीन यहाँ मुझे लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। देख के उसने सोनियों से अपना मौकफ तब्दील करके चीता और जवानों का अन्नी चीता ही है इधर काले टिक्के कच्चे रंग दिसन मीच फैल गए। एक अफसर को झुकते ना करे, जो बंदा लाके दिया उसको झुकता करे। नाज़रीन वतन अज़ीज़ के किसी भी किसान या काश्तकार से पूछ के देख लें कि उसका दुश्मन नंबर वन कौन है, तो उसका एक ही जवाब होगा कि जाली ज़रई अद्वियात बनाने वाला। आज हमारे कटहरे में ऐसा ही एक शख्स खड़ा है जिस पर इल्ज़ाम है कि वो जाली ज़रई अद्वियात बनाता है और काश्तकारों को साल भर की मेहनत से महरूम करते हैं। जाली अद्वियात बेचते हैं मौसूफ तो खुद भी इल्ला माशाल्लाह सुंडी जैसे हो गए हुए हैं। और अपनी पर्सनालिटी को अपना एड बना के काश्तकारों के सामने पेश करता है कि जी मुझसे ज्यादा तो तजर्बा किसी को नहीं है पत्ते का रस चूसने में। क्या कह रहे हैं भाई जान, गल्ला मंडी में सबसे बड़ी दुकान आपके भाई की है, इसीलिए है ना बेईमानियां कर करके बनाई हुई है। यार इतना ये किसान की मासूमियत का नाजायज फायदा उठाते हैं। अब ज्यादातर जो बेचारे किसान है सारे ही तो नहीं ना पढ़े लिखे लोग या बड़े बड़े जागीरदार, छोटा किसान ज्यादा है। ये इस कदर उनकी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाते हैं और ऐसा लूटते हैं कि एक जैसे नाम की अद्वियात बना लेते हैं दो नंबर साथ, मतलब उसको ये पता ही नहीं चलता बेचारे को कि वो जो असली वाली दवाई का जो नाम है जी ये वही है या कोई और है। फिर बड़े आराम से जब दवाई शॉर्ट होती है, जब कोई भी अच्छी दवाई शॉर्ट हो जाए मार्केट से, फौरी तौर पे ये लोग दो नंबर पैकिंग कर करके धड़ा धड़ दवाइयां मार्केट में। पिछले हफ्ते मुल्तान में महकमा ज़रात ने छापा मार के 1.5 करोड़ रुपए की जाली अद्वियात बरामद की। 1.5 करोड़ रुपए नॉर्मल मिकदार है इन लोगों से जो बरामद हो। सर अरबों रुपए की पाकिस्तान में टोटल अगर किया जाए तो अरबों की जाली अद्वियात और दो नंबर नाम से बेचने वाली अद्वियात जो है वो बिकती हैं। अच्छा ये जेबों से हाथ निकालो, तुम मीनारे पाकिस्तान की सैर करने नहीं आए हुए? जेबों के सहारे ही तो खड़ा हो जाता है वरना लेट के चलना ना शुरू कर दे। अच्छा इंतहाई सख्त कानून मौजूद है और जी बहुत सख्त सजा भी है कि अगर किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी का अगर कोई भी सैंपल अनफिट हो जाए तो अगर मतलब कानून अपना रास्ता ले तो इन लोगों को निशाने इबरत बना दे, लेकिन ये वहां पहुंच के भी पैसों का लेन देन करके अपनी जान छुड़ा लेते हैं। भाई जान कौन सा निशाने इबरत, कौन सा पैसों का लेन देन, जो हमारी दुकान पे जहर है ना आप उनको एक लकीर मार दें और कीड़ों को कहें कि टप के बाहर नो बोल होगा जी, वो अगर टप जाएं तो। तुम तो टप लेते हो ना। ये आप लोगों ने रल मिल के ना ज़रात का बेड़ा गर्क किया जी। बिल्कुल सर बिल्कुल, कुछ ये धड़ाधड़ ज़रई जमीन जो है वहां पे मकान उग गए, दूसरी तरफ जो थोड़ी बहुत बच गई थी ज़रात उसका बेड़ा गर्क आप जैसे लोगों ने कर दिया, जबकि ये मुल्क जो है ये तो ज़रात की वजह से मशहूर जी बिल्कुल, बिल्कुल। अब क्या हो गया इसे, कोई जमीन यहाँ से लपेट के ले गया है या कोई नई चीजें पैदा होनी शुरू हो गई हैं जो हमें उगानी नहीं आती, ये इन लोगों की दो नंबरियों की वजह से। बात करो अब सर जी, रास्ते में जो भी फसलें आ रही थी ना ये कह रहा था मैंने दवाइयां दी हैं सारी। यार ये सुंडियां मारने की असली दवाई देगा लोगों को, यानी कि खुदकुशी करेगा खुद।
क्या कह रहे हैं भाई जी, एक नंबर दहर, एक नंबर दवाइयां, एक नंबर स्प्रे। मैं तो ये ख्वाब देखता हूँ कि हरा भरा पाकिस्तान हो जी। यार तुम तो दुकानों पे बैठे होते हो ना, तुम लोग तो जो पीछे बनाने वाले हैं, जो आपको देने वाले हैं, जो इसी दो नंबरी की वजह से खुद अरबपति हो चुके हैं। हाँ। जी जी, उन्होंने जो करना है वो आप लोगों ने भी, आपकी तो थोड़ी सी लालच होती है ना, और आप जाहिर है इस मुल्क के अंदर आप छोटी लालच क्या, मोटी लालच क्या, हर किस्म की लालच मौजूद है। आप लोग तो दुकानदार लोग हो ना, जो फैक्ट्रियों वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, वो इस कदर दो नंबरी कर रहे हैं कि हैरान कुन जी। बीच में जो असली वाले हैं उनका तो अब पता ही नहीं चलता वो किधर है। अब मेरे ओ सोने ओ हीरे ओ मखनो, इधर मुंह कर भी तो सोने का ना, और बब्बर शेरो चीते ओ जवानो, मेरे कैन की गल ये है कि जी मेरा यानी, साला यानी सिर्फ फ्रॉडिया ही नहीं नाल झूठा भी है। नहीं, उसकी तरफ देख के उसने सोने ओ से अपना मौकफ तब्दील करके चीता और जवानों का अन्य चीता ही ये इधर काले टिक्के कच्चे रंग दिसन मींच फैल गए। एक अफसर को झुकते ना करे, जो बंदा लागे दिया उसको झुकता करे। ओ पाजी, मैं आपको जो गल दसनी चाह रहा हूं कि मेरा जहर एक नंबर है, मेरा साला भा बशीर उसकी बुढ़ी ने खुदकुशी की है, और मेरे जहर की सिर्फ एक चमची पी है, दूजी उसने मांगी नहीं। आलस हुआ के ना हुआ। हेलो यार, जाली दवाइयां वाला केस रहन दियो, उन्हें साले दी बुड्ढी दे कतल चंद्र कराओ। और नहीं जी नहीं, उसने अपने हाथों से पिया, मुझसे तो भा बशीर लेके गया कि जी मैंने शटाले पे स्प्रे करना। सबसे बड़ी वारदात ये लोग ये करते हैं कि जब इनका सैंपल लिया जाता है ना जी जी, तो ये पीछे जाके सैंपल चेंज करवा देते हैं। अगर इनको सैंपल चेंज करने से रोक दिया जाए ना, तो इनकी आधी वारदातें कम हो जाए। अच्छा, असल बात ये है, बेशुमार फ्रॉड करते हैं यार ये देखे ना, दुनिया कहां की कहां पहुंच गई है। एग्रीकल्चर में अब इतनी तरक्की हो गई हुई है कि जितना झाड़ एक किले का दूसरे ममालिक ले रहे हैं जी जी, हम उसका चौथा हिस्सा भी नहीं ले रहे। ये हमारा हमसाया मुल्क है जी जी, इंडिया, वहां पे बेशुमार हमसे ज्यादा अच्छी फसल उग रही है और ज्यादा फी एकड़ पैदावार दुगनी या तीन गुना है जी जी। गोरा तो खैर बहुत ही आगे चला गया हुआ है, और उसकी हमारे पीछे रहने की वजह यही लोग हैं ना जी। बिल्कुल सर, ये अपनी नाकस अदवियात बेचने के लिए ना तरह तरह की इनामी स्कीम का ऐलान कर देते हैं। हाँ। जी जी जी, और वो बेचारा किसान मासूम होता है, वो 60-70 हजार की मोटरसाइकिल के लालच में अपनी 10-15 लाख रुपए की फसल का बेड़ा गर्क कर लेगा। हाँ। ओ यार बड़े भाई, काश आप लोगों में से किसी की एजेंसी होती तो आपको इन जम्बेलों का पता होता। वो पिंड था में लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये नामी स्कीमें, ये मेले ठेले ये लगा के तो फिर ही जहर बेचने पड़ते हैं। आपको इन चीजों का पता नहीं है मेरे। जाली जरिए अद्वियात बेचने वाले किसी भी मैन्युफैक्चरर से, किसी जाली कंपनी से या डीलर को उठा के इनसे, इनका सिर्फ और कुछ ना देखो, ये देख लो कि 10 साल पहले इनके असासे क्या थे और आज क्या है। कागजात से उनको टैली कर लो। इतने इतने बड़े फ्रॉडी हैं, ये साइकिल से प्राडो तक का सफर इन्होंने साल साल में तय किया हुआ है। यार कोई भी काम ऐसा जिसका गाग जो है वो मासूम है या बेचारा भोला है, अनपढ़ है, ज्यादा तादाद अनपढ़ों की है, वहां पे ऐसे ही है कि उस प्रोडक्ट के जो बनाने वाले हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो दिनों में अरबपति हो गए हैं। आप देखें ना, खवातीन की जो प्रोडक्ट्स हैं, खवातीन के इस्तेमाल की जो चीजें हैं, खवातीन का कपड़ा है पहनने वाला, जो खवातीन के मेकअप शेकअप का ब्यूटी उनकी के हवाले से इश्तिहार इश्तूर चला के अरबों रुपया लूट लेते हैं, अरबों रुपया लूट लेते हैं। वो हिसाब इनका है, वो चूंकि किसान बेचारा ज्यादातर अनपढ़ है, मासूम है, भोला है, उसको नहीं पता कि मैंने किस तरह चेक करना है या किस तरह परखना है कि दवाई ठीक है या नहीं है। वो इनकी बातों में आ जाते हैं तो वो इनसे तड़ातड़ लेना शुरू कर देते हैं, हमें छोटी मोटी लालच में। और सर असल में उधार पे जो मिल रही होती है, ये कहते हैं ये वाड़ियों पे दे देना, उधार ले जाओ। हाँ, कई किस्म के लालच देते हैं भाई। हर कारोबार का असूल है धार नगद, ये मद्दो जजर आते रहते हैं। तो जो आपने कहा ना कि जी किसान। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम मद्दो हो या जजर हो? मद्दो ही होगी। सेब तुम्हारी इसी तरह की है कि तुम या मद्दो हो तो या जजर हो। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। हुक्मरानों को और अपोजिशन को अब ये सोचना चाहिए, हर जमात को ये सोचना चाहिए कि जान दियो, खुदा वास्ते जान दियो। बड़ी हो गई है इस मुल्क दे नाल, आपको शर्म आनी चाहिए डॉलर का रेट देख के, और आपको एक दूसरे के ऊपर ब्लेम देने की बजाय सब आप लोग इसमें इन्वॉल्व।
अच्छा जी, वैसे तो मुल्क के अंदर जो हालात और खास तौर पे जो सियासी सिचुएशन बनी हुई है, इस पे बोलना बनता ही नहीं है जी, बिल्कुल सर। इसके ऊपर सिर्फ बंदा यही कर सकता है बस, कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर बतौर पाकिस्तानी और बतौर एक ले मैन इतनी सी जरूर बात मैं करनी चाह रहा हूं कि जो सिचुएशन है ना जी, खुदा के वास्ते होश के नाखून लें, खुदा के वास्ते होश के नाखून लें। इस तरह की सिचुएशंस शायद ये बड़े लोग अफोर्ड करते हों कि आप अदालतों के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दें, आप अपने महकमों के खिलाफ और इंतहाई सेंसिटिव महकमों के खिलाफ आप गुफ्तगू शुरू कर दें, आप छलांगे मार मार के तो सितारों को हाथ डाल के तोड़ने की कोशिश करनी शुरू कर दें। ये आप लोग शायद बड़े लोग अफोर्ड करते हों। आम आदमी जो है ना, ये जो अभी हमने बात की पा जुनैद ने जो डिस्कस किया है कि लोग बाहर को दौड़ जा रहे हैं, आम आदमी बेचारे का बस चले तो वो फौरी तौर पे यहाँ से दौड़ जाए। उस बेचारे का नॉलेज या उस बेचारे का जहन या उसकी हिम्मत या उसका घर का गल्ला जो है, जो उसका बजट है, वो नहीं अफोर्ड करता इन चीजों को, वो फौरी तौर पे खौफजदा होके तो बाकायदा टेंस हो जाता है। हाँ जी। बड़े सख्त लोग टेंस हुए हुए हैं, बहुत ज्यादा। अल्लाह वास्ते जाने दें हुक्मरानों को और अपोजिशन को, अब ये सोचना चाहिए, हर जमात को ये सोचना चाहिए कि जान दो, खुदा वास्ते जान दो। बड़ी हो गई है इस मुल्क के नाल, आपको शर्म आनी चाहिए डॉलर का रेट देख के, और आपको एक दूसरे के ऊपर ब्लेम देने की बजाय सब आप लोग इसमें इन्वॉल्व, आपकी ये सिचुएशन इन्वॉल्व है, आप लोगों के ये लड़ाई झगड़े इन्वॉल्व है, आप लोगों की ये हरकतें जो आप कर रहे हैं ये इन्वॉल्व है, इसकी वजह से ये इस तरह का काम हो रहा है। बेड़ा गर्क रुपए का होता जा रहा है, रुपए की कीमत बिल्कुल खत्म होती जा रही है। आप अपनी जुबान तो देखें, जुबान ये कोई सियासत की गुफ्तगु है? आप तो पर्सनल हुए हुए हैं एक दूसरे के साथ, आप लोग ऊंचे ऊंचा ललकार रहे हैं एक दूसरे को, बिल्कुल। यार जाने दे खुदा के वास्ते क्या कर रहे हैं आप, अपने इंतजामी उमूर की तरफ तवज्जो दें, आप अपने महकमों की तरफ, बस बड़ा हो गया एक, चलो ठीक है ये वो अदालत ने फैसला दे दिया है कि परवेज अली साहब वजीरे आला है, बस करो अब, खत्म हो गई बात। हाँ जी। ये आने वाला है इलेक्शन, आप साल डेढ़ साल के लिए आप इस तरह की लड़ाई झगड़े डाल के मुल्क का और अपने रुपए का बेड़ा गर्क कर रहे हो, बिल्कुल जाने दो, बन गई हुकूमत बस ठीक है। अदालत ने, सुप्रीम ने फैसला दे दिया है कोर्ट ने, तो बस उसको मान के अब खुश दिली के साथ खंदा पेशानी के साथ आप कहें ओके भाई ठीक है, ये आने वाला है इलेक्शन फिर देख लेंगे। आप में कुछ साथ साथ होगा, आप में कोई इस तरह का हिम्मत ताकत होगी तो आप उस इलेक्शन में दिखा लीजिएगा, अब जाने दें बस कर दें। खबरें आप पढ़े अगर अवाम के हवाले से तो खुदा की कसम खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई, खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। क्या हो रहा है कराची के अंदर, क्या हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, बच्चे दोबारा अगवा होने शुरू हो गए, अगवा पर तमान शुरू हो गया हुआ है, लोग धमकियां दे दे के पैसे ले रहे हैं, ले रहे हैं। हाँ जी। ये क्या कर रहे हो आप, फिर वही चीजें शुरू कर रहे हो, फिर उधर से नए सिरे से शुरू हो गए, फिर 10-15 साल लगा के फिर आप उसको क्लियर करोगे, फिर आगे आपने वही सियासी झगड़े शुरू कर लेने। खुदा के लिए जाने दें और इज्जत करें एक दूसरे की, और थोड़ा सा शऊर और थोड़ा सा अच्छी कौम होने का मुजाहरा करना चाहिए। अब बड़ी हो गई है, बहुत हो गई है, इस तरह की सिचुएशन ना लाएं कि लोग आप सबसे ही नफरत करना शुरू हो जाए और लोग फिर कहना शुरू हो जाए कि यार आ जाए फौजी, इससे तो अमरियत ही अच्छा है। ना ऐसा करें खुदा के वास्ते। आप लोगों को जब इख्तदार मिलता है उस वक्त आप भूल जाते हैं, हर जमात, हर जमात, कोई ऐसा बंदा नहीं है नजर आ रहा जो इतनी हिम्मत ताकत रखता हो कि वो पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ सोचे, वो सिर्फ अपने इक्तदार के हवाले से ना सोचे। ये चार दिन पहले आपको इक्तदार मिला है, आपने कबीना बनाई है, वो कबीना थी पूरा इज्जड़ आपने इकट्ठा किया है, कौन नहीं जानता कि उस कबीना के अंदर लाहौर के बाकायदा कब्जा ग्रुप शामिल थे, हमारे गुजरांवाला से कब्जा ग्रुप शामिल थे उसमें। आप क्या कर रहे हैं यार, खुदा वास्ते जाने, आप अपनी इन चीजों की तरफ तवज्जो दें, अपनी सफाइयां करें, अपने आप की अपनी शक्ल सूरत आप ठीक करें, ठीक करें। हाँ। सबके लिए ये, सबके लिए, खुदा के लिए। आप देखें ना जी, एक तरफ
ये अपोजिशन वालों ने वो फरा गोगी वाली बंदूक तानी हुई है पीटीआई की तरफ, दूसरी तरफ उसके ससुर को आपने मिनिस्टर बनाया चार दिन पहले, क्या कर रहे हैं आप? ये डबल पॉलिसी क्यों है आपके अंदर? डबल पॉलिसी, आप अपने आप को चेक करें, अपने अपने गिरेबानों में, सिर्फ दूसरे को ही ना कहें, खुद भी पहले आप ये कहना भी छोड़ दें कि गिरेबानों में झांके, प्रैक्टिकली शुरू करें अपने गिरेबान में झांकना, बस दूसरा खुद ही झांक लेगा, तुसी ना उधर चाटियां मारो, जाने दो, बहुत ही काम खराब हो गया हुआ है। बाहर हम लोग तो निकलते हैं ना जी, आम हम तो चाबड़ी वाले से भी मिलते हैं, मस्कीन आदमी से भी मिलते हैं, खुदा की कसम लोग बड़े सख्त परेशान हैं बहुत। आप अपनी बिजली के रेट देखें, आप अपने पेट्रोल के रेट देखें, आप ठीक मान लिया यार, जो भी सिचुएशन मुल्क की सिचुएशन की वजह से ये हो गया ना, चलो दुनिया की सिचुएशन की वजह से ये हो गया, मगर लोगों का साथ रोटी पानी भी बंद हो गया, लोग बेचारे जो हालात हैं गाग ही नहीं बाहर निकल रहा। बड़े बड़े आप फैक्ट्री ऑनर से पूछ लें, छाबड़ी वाले से पूछ लें, छोटे छोटे कामों वालों से पूछ लें, वो कहते हैं जी हालात ही इतने बुरे हैं, गाग ही नहीं आ रहा, बाहर ही नहीं लोग निकल, खौफजदा हो गए हैं, बाहर जो निकले हुए हैं आप देखे मुंह उठा के लोग खौफजदा से फिर रहे हैं। हां जी ऐसा ही है, आप यार बारिशों ने बेड़ा गर्क कर दिया, आपके चार दिन पहले आपका कोविड जो है वो उसने पूरी दुनिया को लिया, आपका भी मुल्क जो है वो आपने उसका भी मुकाबला किया, एक दूसरे को जो मेहनत देते हैं उससे दुनिया तंग आ गई। हाँ जी हाँ जी, और मेहनत भी यार वो दूर रह गए हैं, अब तो गाड़ी गलौज पे उतरे, एक दूसरे को झुकते करके फिक्की फिक्की सी फजूल सी गुफ्तगू करके और लोगों को टेंस कर रहे हैं, इससे कोई बंदा खुश नहीं हो रहा, लोग खुदा की कसम परेशान हो रहे हैं कि ये क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं। हालांकि हमारी पहचान है कि सामने वाले की बुराइयां दबा के अच्छाइयां उसकी बताओ। हाँ जी हाँ जी, ये सारे चौधरी खानदान के मुतल्लिक बकायदा एक हांडी मिल गई है सबको, उसमें डोई फेर, वो यार जाने दो, उनके घर का मसला है, आपने डिस्कस कर लिया है, इख्तलाफ पैदा हो गई है, वो खत्म कर दो, इतनी गंदी गुफ्तगू पे उतर आते हैं, किसी को देख ही नहीं रहे कि ये क्या मामला है उनका, या क्या ये कोई जाती भी एक हद है हर आदमी की, वो बेशक हुक्मरान है या कोई सियासतदान है, आप उसको तो ना फलांगे ना, लिमिट में आप अपनी लिमिट में रह के बस खुदा के, पूरी दुनिया में नहीं हमने देखा, पूरी दुनिया फिरी है खुदा की कसम, कहीं ऐसा नहीं देखा कि इतनी सियासत पे या हुकूमत पे गुफ्तगू हो रही हो, बिल्कुल हर बंदे ने छाबा लगाया हुआ है, कहीं भी आप चले जाएं, किसी ने थड़े पे नवाज शरीफ खोल के रखा हुआ है उसकी मरम्मत कर रहा है, किसी ने अपनी दुकान के बाहर इमरान खान खोला हुआ है, कोई जरदारी साहब का पोस्टमार्टम कर रहा है, जाने दो यार खुदा के वास्ते, ये गोगे ने चार पांच बंदे आपस में आस पास इकट्ठे किए होते हैं तो बता रहा था कि मैं बताता हूँ ये मुल्क कैसे चलेगा। हाँ जी, और मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा था कि ये तशद्दुद पसंद कौम है, ये इन लोगों को सियासतदानों को पता चल गया हुआ है कि इस कौम का 25-30 साल हीरो सुल्तान रही रहा हुआ है, जो डांग पकड़ के सारे पिंड को मारता था और लोग बड़के मारते थे, ये महकूम ये महरूम ये मजलूम कौम है बेचारी, इस तरह के जहाँ पे लोग बसते हो वो फिर तशद्दुद पसंद हो जाते हैं, ना जिनकी कोई सुन रहा हो ना जिनको बेचारों को अच्छी तरह से खाने को मिल रहा हो, वो फिर तशद्दुद पसंद हो जाते हैं, और ये तशद्दुद पसंद कौम है ये उसका नाजायज फायदा हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं, सियासतदान हुक्मरान उसका ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इस तरह की गुफ्तगू करके अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब जाने दे खुदा वास्ते जाने दे, सिर्फ डॉलर का रेट वेख के ना चुप कर जाओ बस। हाँ। बड़ी हो गई नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये है कि अगर आपको इस बात पे यकीन है कि प्यार भरी बातों से पौधे तेजी से बढ़ते हैं तो जरा सोचें कि इन्हीं प्यार भरी बातों से दुखी इंसान कितना खुश होता होगा। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज़।